जावरला गांव में बदहाल सड़कें। गांव में सूखे पड़े हैं नलके। गांव के विकास की बाट जोहते ग्रामवासी। ये नजारा है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मौजूद किनवट तहसील के जेवरला गांव का, जिसे लगभग 3 साल पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल ने गोद लिया था। साल 2015 में जब राज्य के महामहिम यहां पहुंचे थे, तब उन्होंने यहां की जनता से ये वादा किया था कि गांव में ग्रामीण लोगों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी और यहां के लोगों को तमाम जरूरी सुविधाओं से संपन्न कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने सड़क निर्माण के साथ ही ग्रामवासियों और किसानों को हो रही पानी की समस्या दूर करने के लिए तालाब बनाने का भी आश्वासन दिया था। उसके बाद में इस ट्रायल एरिया में पानी के लिए मैं कोशिश करूंगा, गाँव में जाके भेज सकते हैं, उसके लिए ट्रायल बनाए, कुछ भी अगर सहूलत होना है उनको टेम्पो व्हीकल वो सब देने के लिए हम कोशिश करेंगे, उसके लिए सोच विचार करना चाहिए। और डेयरी का अभी तक इस पर नहीं आ रहा, डेयरी का बहुत अच्छा योजना है, उसके लिए कलेक्टर साहब से मैं बात करूंगा। यहाँ सोच करके कितने लोग अगर बैलों को लगाना चाहते हैं क्रॉस या बफर उसको, उसके लिए भी हम प्रावधान करेंगे। और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स ये सब बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स का अभी सर्टिफिकेट्स नहीं आ रहा, वो सर्टिफिकेट्स के लिए और पैसा है के इतने भी आपको सुविधा होना चाहिए, वो सब के लिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। ऐसा मैं बता देता हूं, आप सब लोग मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, नेता लिख सकते हैं, हम एमएलए को रिप्रेजेंट दे सकते हैं, मिनिस्टर को दे सकते हैं, गवर्नर के पास भी आ सकते हैं। आप आइए, आपके लिए हमारे गवर्नर बंगलों के दरवाजे खुले रहेंगे। आपके बारे में वेलकम करते हुए सब लोग, एक ही बार तो मुश्किल होता है, मैं जा रहा पता बाहर और टाइम लेके हमारे एडीसी साहब लेके आप आइए, ये समस्या हम डिस्कस करेंगे। ये गांव के और बाद में दो तालुक से आप आए हैं, सबके समस्या परिष्कार करने के लिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, हरेक खेती को पानी देने के लिए हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। 3 साल बीत चुके हैं और एक बार फिर यहाँ महामहिम राज्यपाल का आगमन हुआ है, लेकिन गांव की स्थिति वही है जो लगभग 3 साल पहले थी। नांदेड़ जिले के ग्रामीणों से जो वादे किए गए थे, उन वादों को भी पूरा नहीं किया जा सका है। किनवट तहसील के एनसीपी विधायक प्रदीप नाइक की यदि माने तो किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के नाम पर महज खानापूर्ति की गई है। 2015 में मई महीने में महामहिम गवर्नर साहब जवरला गांव आए थे और उस टाइम पे रास्तों के बारे में और यहाँ के इरिगेशन के बारे में और जवरला के डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे चीज़ें बोले और जवरला गांव को दत्तक गांव बोल के भी मराठवाड़े में लिए। मराठवाड़े के अंदर किनवट तालुका एकमेव तालुका है जो ट्राइब्स में आता है सब प्लान में, और उसके बाद भी गवर्नर साहब का बहुत अच्छा ख्याल हमारे जवरला गांव के ऊपर है, यहाँ के ट्राइब्स के ऊपर है, यहाँ के ट्राइब अच्छा डेवलप होना, इरिगेशन के हिसाब से डेवलप होना, एजुकेशन के हिसाब से डेवलप होना, हर चीज़ में डेवलप होना बोल के ध्यान है। पर ये गवर्नमेंट का ध्यान कुछ मराठवाड़े के ऊपर और हमारे पिछड़े तालुके के ऊपर नहीं है। गवर्नर साहब ने जो बताया था उसके हिसाब से हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, हमारे रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में अपने अपने तरीके से फाइल बनवा के कलेक्टर साहब के सिग्नेचर से मुंबई गए सो है। पर ये गवर्नमेंट, इनका ट्राइबल मिनिस्टर किधर ख्याल है मुझे पता नहीं, ट्राइबल का पैसा किधर जा रहा वो भी पता नहीं लग रहा, और हमें अभी तक 2 साल में कोई भी हमारा प्लानिंग पास
ये गवर्नमेंट ने नहीं किया। बहरहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने रविवार को जावरला गांव पहुंचकर ग्रामवासियों से मुलाकात की, जिसके बाद गांव में सांस्कृतिक सभागृह, जल शुद्धिकरण यंत्र, दाल मिल, कोलाम बस्ती घरकुल और क्रीड़ांगण जैसी सुविधाओं का उद्घाटन राज्यपाल सी विद्यासागर राव के हाथों किया गया। ये गांव में जवरला गांव में स्वावलंबन हो जाएंगे और स्वपरिपन्न हम करके दिखाएंगे, ऐसा करके आप समझते हैं तो बिल्कुल डेवलप होता है। उसके लिए कोशिश करने के लिए मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आप टाइम लिए और कई प्रोग्राम आगे में है, मैं जाना है, इससे मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं जो बोले है रोड एक जंगल से और अपना टैंक वाटर टैंक 2000 एकड़ को बिल्कुल खेती में आना है, ये सुजलाम होना चाहिए, होना चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। वैसे जब किसी गांव को गोद लिया जाता है तो वहां के ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं देना, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके, इस पर युद्ध स्तर पर काम करना वक्त की जरूरत है। लेकिन जावरला गांव आज भी विकास से कोसों दूर है और यहां के ग्रामीण विकास की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं कि कभी तो वो सुनहरा अवसर उनकी जिंदगी में आएगा जब विकास के साए में वे सुकून की सांस ले सके। लेकिन क्या ये संभव है? 29 मई 2015 को महामहिम विद्यासागर राव जी जवरला फर्स्ट विजिट दे चुके हैं। उस वक्त जो हमें कुछ आशाएं बताई उन्हें, जो हम उनके सामने डिमांड्स रखे हैं, वो खाली 3 डिमांड्स वो मेजर डिमांड्स थे। मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको वो फर्स्ट डैम के बारे में, डैम का हिसाब ऐसा ये गवर्नमेंट के तरफ से उन लोग बता रहे, जो कि इंजीनियर्स बता रहे, कुछ टेक्निशियल प्रॉब्लम है, कलेक्टर बता रहे कि बजट नहीं है, तो असल प्रॉब्लम क्या है ये हमको पब्लिक को कुछ पता नहीं हो रहा है। सही में टेक्निकल प्रॉब्लम है या बजट, तो कोई एक प्रॉब्लम ठीक है, फिर भी स्पेशल बजट से वो डैम हो सकता है, हम डिमांड कर रहे वो होना जरूरी है, वो पेंडिंग में है, फिर भी अब करना जरूरी है। दूसरी बात हमारा ये रेसिडेंसी के बारे में, जो ड्वेलिंग हाउस जिसे अपन कहते हैं, वो धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप अब चल रहा है। अब रहा सवाल पानी का, वाटर सप्लाई है पुराना, अब पूरा एरिया ड्राई होने की वजह से, बारिश कमी होने की वजह से ये साल तो नहीं थे पानी, बोर्स डाले हम बोरवेल, उसमें भी पानी नहीं, तो वो हाल तो हम जारी रखें कि भाई हमको पानी कहीं तो भी वो स्कीम बना के तुम दे दो, मगर वो एरिया ऐसा है तो हम क्या करते, ये सवाल गवर्नमेंट के तरफ से आ रहा, तो हम भी उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। अब रहा सवाल एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में मैं बोल ही दिया कि जो स्कूल में जो टीचर्स है, वो टीचर्स कुछ जगह है, यानी वो स्पेशली सब्जेक्ट के टीचर्स के जगह वो फुलफिल नहीं किए हैं। वैसे जन प्रतिनिधि कोई भी हो और सूबे में सरकार भी किसी भी पार्टी की हो, उसे इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि जिन वादों और घोषणाओं के चलते जनता ने उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया, उस जनता से किए गए वादों की कसौटी पर वो सदैव खरा उतरने की कोशिश करें, क्योंकि जनता सिर्फ जनता नहीं बल्कि इस लोकतंत्र में उसे जनार्दन की उपमा दी गई है, जिसे किसी भी सरकार को सत्ता से दूर करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जनता का एक बार जिससे मोह भंग हो जाता है, उसे सत्ता के शीर्ष से उतरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। राशिद फजलानी, इन 24 न्यूज, नांदेड़।